इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय रेल के वेगन के ब्रेक सिस्टम में उपयोग होने वाले ईपीआर या फिर इंड पुल रॉड के बारे में कि इंड पुल रॉड होता क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसमें जो होल्स बने होते हैं उसका क्या काम है, इसमें कितने होल होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ हरीश और आप देख रहे हैं रेलवे नॉलेज। यदि बात करें हम ईपीआर की तो इसका फुल फॉर्म होता है इंड पुल रॉड। इंड का मतलब होता है आखिरी सिरा, पुल का मतलब होता है खींचना, और जबकि रॉड का मतलब होता है लीवर। या यदि बात करें हम वेगन में उपयोग होने वाले पुल रॉड के बारे में तो एक वेगन में दो प्रकार के पुल रॉड उपयोग होते हैं। पहला वो होता है आंतरिक भाग में जिसका कनेक्शन एसीबी से होते हुए फ्लोटिंग लीवर पे जाता है, जबकि दूसरा पुल रॉड वह लगा रहता है वेगन के दोनों आखिरी सिरे में जिसका कनेक्शन इंड पुल रॉड से फ्लोटिंग लीवर में होता है। वेगन के आंतरिक भाग में लगे पुल रॉड का एडजस्टमेंट तो एसीबी के द्वारा हो जाता है, लेकिन बाहर में लगे या फिर वेगन के आखिरी सिरे में लगे पुल रॉड जिसे हम इंड पुल रॉड कहते हैं उसको एडजस्टमेंट करने के लिए उसमें होल बना दिए जाते हैं और होल में पिन डालने के बाद वह भी फिक्स्ड हो जाता है। इंड पुल रॉड ब्रेकिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है। इंड पुल रॉड में जो होल होते हैं उसे व्हील के डाया के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। व्हील का डाया कम होने पर यह बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। यदि इसे नाम दे दिया जाए तो यह बाहर से अंदर की तरफ ए बी सी डी ऐसे होते हुए अंदर की तरफ आगे बढ़ेगा। यदि बात करें हम इंड पुल रॉड में होल की संख्या की तो वह होती है 5, 6 और 7। तो 5 होल का उपयोग किस में किया जाता है तो वह होता है कैसनप 22 बोगी में, जिसमें होता है बॉक्सन बीसीएन इस प्रकार के में कैसनप 22 बोगी में 5 होल होते हैं, जबकि 6 होल वैगन के दूसरे प्रकार जैसे कि बीटीपीएन बीएलसी वैगन इस प्रकार के वैगन में इंड पुल रॉड में 6 होल होते हैं, जबकि 7 होल होता है वह होता है ब्रेक वैन के एक प्रकार की जो है BVZC, इसमें 7 होल होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कैसनप ट्रॉली के बारे में। तो इसमें जो ईपीआर या फिर इंड पुल रॉड में होल की संख्या होती है वह होती है 5, और जिसका व्हील का डायमीटर होता है या फिर व्हील का व्यास होता है वह होता है 1000 mm से 906 mm तक। यदि व्हील का डाया 1000 mm से 982 mm तक होता है तो वह होगा होल नंबर 1, कहने का मतलब है कि ए नंबर के होल पर डाला जाएगा। यदि व्हील का डाया 981 से 963 के बीच होता है तो वह होगा होल नंबर बी में। ये होल का डाया 962 से 944 के बीच में होता है तो वह होगा होल नंबर सी में, और यदि व्हील का डायमीटर 943 से 925 के बीच में होता है तो वह होगा होल नंबर डी, कहने का मतलब है कि चौथे नंबर के होल में पिन डाला जाएगा। यदि व्हील का डायमीटर 924 से 906 में होता है तो वह हो जाएगा होल नंबर 5 या फिर होल नंबर ई में। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम इंड पुल रॉड में होल की संख्या जिसमें 6 हो उसके बारे में, तो उसका उपयोग होता है बीएलसी वैगन और बीटीपीएन वैगन जो होता है टैंक वैगन। बीएलसी वैगन में जो ट्रॉली उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं एलसीसी एफ ट्रॉली। तो इसमें जो व्हील का डायमीटर होता है वह होता है 840 mm जो उसका नया साइज होता है, जबकि उसकी कंडमिंग साइज होती है वह होता है 780 mm। इसमें जो होल की संख्या होती है वह होती है 6। यदि व्हील का डायमीटर 840 mm से 831 mm होता है तो वह जाएगा पहले नंबर के होल में जिसे ए कहते हैं, और यदि व्हील का डायमीटर 830 mm से 821 mm होता है तो वह जाएगा होल नंबर 2 में जिसका नाम है बी। यदि व्हील का डायमीटर 820 से 811 mm होता है तो वह जाएगा होल नंबर 3 या फिर होल नंबर सी। यदि व्हील का डायमीटर 810 mm से 801 mm हो जाए तो वह जाएगा होल नंबर 4 या फिर डी नंबर पे।
यदि व्हील का डायमीटर 800 mm से 791 mm में हो तो वह जाएगा होल नंबर 5 या फिर ई में। यदि व्हील का डायमीटर 790 mm से 781 mm होता है तो वह जाएगा होल नंबर एफ या फिर होल नंबर 6 में। अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर की इंड पुल रॉड की, जिसमें होल की संख्या होती है वह होती है 7 और इसका उपयोग होता है ब्रेक वेन में, जिसका नाम है BVZC। BVZC में व्हील का डायमीटर होता है 915 mm, जो होता है नया साइज, जबकि इसका कंडमिंग साइज होता है वह होता है 813 mm। इसमें जो इंड पुल रॉड उपयोग किया जाता है उसमें होल की संख्या होती है वह होती है 7। तो यदि व्हील का डायमीटर 915 mm से 901 mm के बीच है तो आ जाएगा होल नंबर पहले में। यदि व्हील का डायमीटर 900 mm से 886 mm के बीच हो तो आ जाएगा होल नंबर दूसरे में। यदि व्हील का डायमीटर 885 mm से 871 mm के बीच है तो आ जाएगा होल नंबर तीन में। यदि व्हील का डायमीटर 870 mm से 856 mm के बीच में रहता है तो आ जाएगा होल नंबर चार में। यदि व्हील का डायमीटर 855 mm से 841 mm के बीच में हो तो आ जाएगा होल नंबर पाँच में। यदि व्हील का डायमीटर 840 mm से 826 mm के बीच में होता है तो हो जाएगा होल नंबर छः में। यदि व्हील का डायमीटर 825 mm से 813 mm के बीच है तो आ जाएगा होल नंबर सात में। इंड पुल रॉड में दो पिन फिट होते हैं, जिसमें एक का कनेक्शन फ्लोटिंग लीवर से होता है और जो एक बार एडजस्ट होने के बाद उसे दोबारा एडजस्ट नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरा पिन वह होता है जो 5, 6 या फिर 7 होल होते हैं उसमें से किसी एक होल में फिट होता है, जिसे व्हील के डायमीटर के अनुसार एडजस्ट किया जाता है।